फोटो रखे आप अपने पास और आप कुछ दिन बार बार उनको दर्शन करने का रियाज कीजिए। आप जैसे ही नेत्र बंद करेंगे, चाहे आप भोलेनाथ एक ही होते हैं, स्थान स्थान का महत्व है, लेकिन यदि आप यहाँ के शिवलिंग को भी देख रहे हैं तो आपको वैद्यनाथ धाम का शिवलिंग याद आएगा, माँ कालेश्वर के बाबा याद आएंगे। ये भगवान को देखने का, दर्शन करने का उपाय है महाराज। और आज इन संत महात्माओं की ही चर्चा पे चलना था। संत की कितनी भी मैं वर्णन करूं, गोस्वामी जी जब वर्णन करते करते थक गए हैं तो हम और आप कहाँ के हैं। कहते हैं हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल निहारा। यदि आज यहाँ इस श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में कुछ बोलने का अवसर मिला है तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ भला ही होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। बिना रचना का कोई कहीं नहीं जाता। ये पत्ता है ना, ये तब तक नहीं हिलेगी जब तक रघुनाथ जी की सारा नहीं होगी। और हम और आप तो बड़ी दूर की चीज है। और संत के महात्माओं के स्वभाव का वर्णन अगर मैं करूं, मैं महाराज जी से बोली कि अगर बोल दिए होते तो संगीतकार आ जाते, आनंद आता, कथा में रोचकता आती। कुछ लोग बोले कि इसकी रचना नहीं बनी थी, रचना नहीं बनी थी, बिना रचना की भगवान की कथा हो गई। सरकार से भगवान श्री राघव जी आकर स्वयं कहलवाए कि भगवान के राम नाम की चर्चा होनी चाहिए। और संत का स्वभाव है जो हमारा और आपका नहीं हो सकता। हम दुख आता है तो रोने लगते हैं, हंसी खुशी होता है, कोई धन आ गया, कोई बच्चा मान लीजिए कि 10th में 500 में 400 नंबर ले आया तो ये बच्चा पढ़ने वाला है, मेरा बच्चा मेहनत किया है। यदि वही 200 आ जाए, 150 आ जाए, कम नंबर आ जाए, भगवान को इच्छा नहीं थी, अरे ये गलत बात है ना। 400 आया तो आपका बच्चा पढ़ने वाला था, 200 आया तो भगवान की गलती, ये नहीं होना चाहिए। भगवान जो करवाए वो मैं कर रहा हूँ, भगवान जो करवाएंगे आगे भी मैं वही करूँगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ पता है, 12th तक मैं साइंस लेकर पढ़ी थी, बायो से तिगरा में साइकिल से आती जाती थी, तब तक मानस जी पढ़ती थी, मैं बचपन से पढ़ती थी, लेकिन ये मति यहाँ की नहीं थी। पता है कब हुई, 1st क्लास में 4 मार्क्स कमाए। मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रही हूँ। क्या मैं 296 के लिए पढ़ी थी, 4 मार्क्स के लेवल से पढ़ती, नहीं ना, नहीं आई। रोना तो हुआ, छोड़ दिए, भगवान जी की जो इच्छा, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। पता है क्यों, ये भगवान की इच्छा है। 4 नंबर और आती तो मैं GNM कर लेती, कुछ टीचर की तैयारी कर लेती ना, आगे चली जाती। भगवान बोले कि नहीं बेटा, तुझे उसमें नहीं जाना है, तुम चाह के भी नहीं जा सकती है। मैं बायो उसी लिए ली थी कि मुझे GNM करना है, कुछ तो करना है, बैठे नहीं रहना है। भगवान बोले नहीं बेटा, GNM नहीं करना है, तुम्हें मानस जी में आना है, इसलिए 4 नंबर कम आए। तो दुख आए तो हम रोने लगे, थोड़ा धन आ जाए हम ऐसे करके डांस करने लगते हैं, नहीं। संत का स्वभाव है, अरे हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, पृथ्वी में जुदा रहना।
या बच्चे की झंझट हो, पड़ोस वाले कहेंगे कि जाने दो बच्चे को, छोड़ दो, इसका जो मन आता है ना वही करने दो। बताएं संत क्या उपाय बताएंगे, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट में बच के रहना, झंझट से बच के रहना सीख
दिल से जुदा रहना संतों से सीख जाए, अरे हर हाल में खुश रहना। महाराज जी के पास जो आया वो लुटाते गए, कल की चिंता नहीं है, ना बेटे को पढ़ाना है ना बेटी को विवाह करना है ना। महाराज जी जीते जी मुक्त हैं, बेटे को पढ़ा लिए, बेटी का विवाह हो गया है, पोता पोती को देखने का लालसा है ना, मुंडन है, जनऊ है, फिर उसका विवाह, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी महाराज। अभी लग रहा है ना कि मेरे पास फोर व्हीलर होगा तो हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद नहीं मांगेंगे, नहीं, अगले दिन जाएंगे तो बोलेंगे एक एरोप्लेन बस दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन महाराज को बस भक्ति, अब प्रभु कृपा करम यही भांति, शब तज भजन करम दिन राति, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। ये हमें संत के शरण में रह के ज्ञान की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। तो धर्म क्या है? जो हम धारण कर सके वो धर्म है। अब ये इतना हमारे आप में ज्ञान है कि हम क्या धारण कर सकते हैं, हम तिलक लगा सकते हैं, कंठी पहन सकते हैं कि नकाब लगा सकते हैं, ये हमको आपको अच्छी तरह से पता है। यदि हम जानते हुए भी कर रहे हैं, धर्म को सब जानते हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कौन सा पुण्य है कौन सा पाप है। लेकिन यदि हम जानते हुए भी कर रहे हैं तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये धर्म की परिभाषा जो है ना हमारे हिंदुस्तान में संत और महात्माओं से मिलती है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि यदि संत ना होते तो ये दुनिया थमी ना होती। जितना हम और आप पाप कर रहे हैं ये संत हैं, महात्माओं ही हैं, संत की ही कृपा है कि धरती चल पा रही है। हमेशा सत्संग चलती रहती है। अरे हम जहाँ कथा हो रही है वहाँ नहीं जा सकते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, हमेशा भगवान की कथा होती है। वृंदावन के बड़े अच्छे संत हैं, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, अद्भुत महापुरुष, अद्भुत महापुरुष। उनके पास जाइए आप, कोई भी समस्या लेकर जाइए, उनका बस एक ही इलाज है, नाम जप। अभी विश्व में पहले स्थान पे आएंगे वो, कहीं नहीं जाते, वृंदावन में ही रहते। 18 साल से महाराज जी की दोनों किडनी फेल है, लाखों भक्त कह रहे हैं कि आप एक बार बोलिए मैं अपना दोनों किडनी दूंगा। बोले नहीं, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण, ये राधा कृष्ण के बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, दोनों किडनी फेल है। ये उनकी भक्ति है महाराज जी, उनकी भक्ति पे, अपनी भक्ति पे उनको विश्वास है। दोनों किडनी फेल, 18-19 साल जीवित नहीं बचेगा। अद्भुत सत्संग उनका चलता है महाराज जी का, वृंदावन के रसिक साधक है महाराज जी। कहते हैं कि तात मिले, पुण्यमात मिले, भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, बनवान छिपाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, वैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। जहाँ संत का समागम हो रहा है, संत की उपस्थिति हो रही है, जमावड़ा हो रहा है, वहां महाराज हम और आप, हमारे और आपके जाने से ये मोह समाप्त हो जाता है दर्शन मात्र से, कथा के स्थान के दर्शन मात्र से मोह समाप्त हो जाता है। गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ ना कि हम भगवान के बंधन को काटे, एक तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, और भगवान नागभांस में बंध गए, ये भगवान नहीं, और बंध भी गए तो मैं इनको बंधन से मुक्त किया नहीं, ये भगवान नहीं है, मोह हुआ। नारद जी को बताए, नारद जी बोले एक बार हमें भी हुआ था कि हम
कामदेव हमसे परास्त हो गया। हुआ था ना वो नारद जी को? इसका एक उपाय है, आप भगवान शंकर के पास जाइए, वो दिन रात राम राम जपते हैं। शंकर जी के पास गए गरुड़ जी महाराज। शंकर जी बोले, देखिए बीमारी का भी पता चल गया मानिए, और इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी पता चल गया, लेकिन लंबे समय तक हम आपको सत्संग नहीं दे पाएंगे। कहा गुसुंडी जी महाराज है, उनका बस एक ही काम है, वो दिन रात भगवान की कथा को गाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। भक्ति से निर्मित कथा को गाते हैं काकुसुंडी जी महाराज, आप जाइए वहां कथा सुनिए। जैसे ही गरुड़ जी महाराज गए नीलगिरी पर्वत पर जहाँ कथा चल रही थी, महाराज आश्रम के देख कर ही उनके मन का मोह समाप्त हो गया। उत्तरकांड में, मानस जी के उत्तरकांड में काकुसुंडी रामायण में दिया हुआ है कि उनको आश्रम को देख कर ही गरुड़ जी महाराज के मन का जो मोह था वो समाप्त हो गया। वहां पहुंचे, काकुसुंडी जी महाराज स्वागत किए कि भगवान श्री विष्णु के बाहर में गरुड़ जी महाराज स्वागत है आपका। काकुसुंडी जी महाराज ऊपर थे, बोले तो एक तरह से व्यासपीठ ही मानिए, नीचे दिव्य से दिव्य एक पक्षी बैठे थे। अरे गरुड़ जी महाराज जी जब बैठे हो, और कथा प्रारंभ हुई, कथा हुई जहाँ कथा चल रही हो महाराज, वहाँ आश्रम के दर्शन मात्र से हमारे मन का मोह समाप्त होता है। और देखिए हमारे आपके कहने से मोह समाप्त नहीं होने वाला है, जाने वाला नहीं है। हम कह दें कि हमारे अंदर काम नहीं है, वासना नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, कहने से नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन भजन के प्रभाव से इस पे लगाम लगाया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। क्रोध भी उचित होता है यदि कोई हमारे शास्त्र के ऊपर बोल रहा है और वो अनुचित है, वहां क्रोध जरूरी है। कोई हमारे भगवान के प्रति संत के प्रति बोल रहा है, वहां क्रोध जरूरी है। क्रोध खराब नहीं है, गलत नहीं है, कहां इसका उपयोग करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, बस इसका ज्ञान होना चाहिए। राम और रावण में कोई अंतर नहीं है, राम जी और रावण में कोई अंतर नहीं है। रावण को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था कि मेरे पास इतना ज्ञान है, दौलत है, शोहरत है, हर चीज है, लेकिन मेरे राम जी को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार गलत चीज है, यही राम और रावण में अंतर है। देखिए किसी के एरिए में जाकर उसको हराना, उसको जीतना बहुत ही कठिन होता है। जो भी 2024 में फाइनल डिसीजन लिए होंगे उनसे पूछिए क्या होता है, है? वो रात क्या कहते हैं कि यही रात अंतिम यही रात भारी, वो वाली बात होती है। किसी को उसी के एरिए में हरा कराना ये आसान नहीं है। राम जी यही किए हैं, उनके पास कुछ नहीं है ना, वल्कल वस्त्र धारण करके राम जी वनवास को चले गए। उसके पास अस्त्र है, शस्त्र है, सेना है, रावण के पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार गया। रावण का जब साहित्य के लेखक बड़े अच्छे हैं कुमार विश्वास जी कहते हैं कि रावण जब शांत हो गया, जब रावण का भगवान उद्धार कर दिए, तो मंदोदरी राम जी को देखने के लिए आई। क्यों आई? वो देखना चाहती है कि क्या मेरे पति में है जो इस मेरे पति में क्या नहीं था कि जो इस वनवासी में है। आज तक जितनों पर इन्होंने नजर डाले, रावण दिग्पालन में निर्भरावा, दिग्पालों से अपने घर में पानी भरवाता था रावण, पवन देव से झाड़ू लगवाता था लंका में, इतनी चलती थी रावण की। उस रावण को एक वनवासी उसके घर में कुल सहित नाश करके चला गया, रावण बैठा रह गया। क्या है उस राम में भाई, सबको देखने की लालसा होगी, जानने की लालसा होगी क्या उनमें अच्छा था। तो मंदोदरी
कहीं है युद्ध भूमि में राम जी बैठे थे, पीछे से मंदोदरी आई, राम जी अचानक खड़े हो गए, बोले माँ